मुबारक है, मुबारक गुड मॉर्निंग सर। बहुत प्रोफेसर निर्मोही जी मुबारक हो। प्रोफेसर निर्मोही जी जिंदाबाद। प्रोफेसर निर्मोही जी जिंदाबाद। प्रोफेसर निर्मोही जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत अच्छा। प्रणाम बहुत बहुत हेलो मैडम सर के लिए बढ़िया बढ़िया और पाओ और पाओ खुले आ पाओ वही साहब जी मर गए। चलो इतना नहीं छोटा छोटा दिल्ली में दिया और आज सुबह ये प्रेम से उधमपुर आप कोरोना लग गया डॉक्टर साहब फंक्शन होना था वो प्रोमिनेंट शहरी मौजूद हैं और उनकी कोविड जी ये मैं कहूँगा कि मैंने जितना भी काम किया डुगर के इतिहास संस्कृति धरोहर धर्म दर्शन जहाँ के जो जल धरोहर है मैंने उस पर काम किया और मुझे इस बात पर असीम प्रसन्नता हुई है कि मेरा जो काम था उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। पद्मश्री ये मेरे लिए नहीं है, ये पूरे डुगर क्षेत्र के लोगों के लिए है और हमारी इससे एक पहचान बनी है। जैसे अलग अलग प्रदेशों की पहचान थी, इससे एक मोहर लगी है कि हमारी जो संस्कृति है वो समुन्नत संस्कृति है, एक विकसित संस्कृति है, एक ऐसी संस्कृति है जो मानवतावादी है, जो इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। तो मैं अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी पुस्तकों के माध्यम से और मुझे ये प्रसन्नता है कि मेरी पुस्तकें विद्वान लोग पढ़ रहे हैं और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिस समय आपको मैं दोनों से मिला, सबसे पहले जब मैं राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने गया मैं विस्मित रह गया कि राष्ट्रपति जी ने मेरा नाम लिया। कहने लगे निर्मोही जी मैं आपके काम से बहुत प्रभावित हूँ। मैं राष्ट्रपति को अपनी पुस्तकें भेजता था, प्रधानमंत्री को भी भेजता था। मैंने कहा प्रभावित तो मैं आपसे हूँ, आपका जो जीवन है वो तो हमारे लिए एक आदर्श है। वो बहुत प्रसन्न हुए, प्रधानमंत्री भी मुझसे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि आप जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि हो तो आप अपनी अभिव्यक्ति दीजिए, कुछ बताइए। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप तो मेरे गांव में भी आए हैं, पैंथल में सीढ़ा में माता वैष्णो देवी के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री आए थे, तब भी मैं उनसे मिला था, और नारायण अस्पताल का जब उद्घाटन हुआ तब भी आए थे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के मैं गांव में भी गया हूँ, बड़नगर में भी गया हूँ, उनके मित्रों से भी मिला हूँ, उनके सगे भाइयों से भी मिला हूँ। तो इस तरह से मेरा, क्योंकि गुजरात में मेरा बेटा रहता है तो मैं जैसे डुगर के गाँव गाँव में घूमा फिरा हूँ ऐसे मैं गुजरात के गाँव गाँव में घूमा हूँ। वो प्रधानमंत्री मेरे लिए अपरिचित नहीं थे, उनका पूरा परिवार मेरे लिए परिचित था, इसलिए मुझे उनसे मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और उन्होंने जो मुझे स्नेह दिया, प्यार दिया एक प्रधानमंत्री के रूप में, और जब ये कहा कि आप जम्मू कश्मीर के हो तो मुझे इससे और भी ज़्यादा प्रसन्नता हुई और बहुत ऊँची आवाज़ में कहा कि सभी सुने।